एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे। मैं संध्या शर्मा अपने चैनल संध्या क्राफ्ट में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं आज वीडियो में अपने सिखाने वाली हूँ, दिवाली आने वाली है तो घर पर जो है माला कैसे तैयार करें वो मैं सिखाने वाली हूँ। फैब्रिक जो माला है जो कि मैं सिर्फ कपड़े से बनाने वाली हूँ, नेट के कपड़े से। आप चाहें तो आप लाइन के कपड़े से, सिंपल कपड़े से, जो भी कपड़ा आपके पास है उससे भी आप बना सकते हैं। बहुत ही प्यारी सी माला बनकर तैयार होने वाली है। घर पर आप कितने कम पैसों में आप घर पर तैयार कर सकते हैं बाजार जैसी माला, वो मैं आपको सिखाने वाली हूँ। तो आप इसे डेकोरेट कर सकते हैं। तो चलिए देरी न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगी कि जो जिन लोगों ने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को बहुत लोग देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं, हम इतनी मेहनत करते हैं तो प्लीज़ एक आपका सब्सक्राइब बटन ही आपको प्रेस करना होता है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो फिर आप उसे लाइक ज़रूर कीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है कुछ अच्छे नए आइडियाज़ आपके साथ शेयर करने का। तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी आप फॉलो कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है संध्या शर्मा 4308। वहाँ जाकर भी आप मुझे फॉलो, लाइक, कमेंट कर सकते हैं। वहाँ भी मैं अपने वीडियोज़ जो हैं वो अपलोड करती हूँ। और मेरे दूसरे चैनल को भी प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, संध्या सैंडी ब्लॉग, उसको भी आप प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। जितने सब्सक्राइबर मेरे हैं आप उसे भी सपोर्ट कीजिए, मैं उस पर फ़नी वीडियोज़ बनाती हूँ, तो प्लीज़ आप ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। तो चलिए देरी न करते हुए मैं शुरू करती हूँ। तो यहाँ पर जो मैं फैब्रिक यूज़ कर रही हूँ वो नेट के फैब्रिक हैं। तो मैंने कलर लिए हैं येलो, पीला कलर, लाल कलर और हरा कलर। तो ये तीनों कलर मैं यूज़ करने वाली हूँ, तो देखिए। और यहाँ पर मैं सुई धागे का यूज़ करूँगी। सिर्फ सुई धागे से ही आप जो ये माला है जो वो बना सकते हैं। बहुत ही सुंदर गार्लैंड बनकर तैयार होने वाली है। तो सबसे पहले हम एक फैब्रिक लेंगे। तो देखिए, जो फैब्रिक लिया है मैंने वो लंबाई में आप कितना भी लंबा ले सकते हैं, बट पीस आपको सेम लेने पड़ेंगे। तो इस तरह की हमको पट्टी कट करनी है। आई होप आपको दिख रहा होगा, नेट है इसलिए थोड़ा कम दिखाई देगा, बट मैं आपको बता रही हूँ नाप कर कि आपको कितनी पट्टी कट करनी है। तो यहाँ पर मैंने लिया है 1.5 इंच। आप 1.5 इंच पर निशान लगा लें, या तो या डायरेक्ट ही आप कट कर सकते हैं इस तरह से। तो 1.5 इंच मैंने इसमें 1.5 इंच इसको मैंने लिया है, कट कर लिया। और आप अंदाज से भी इसको फिर सीधा सीधा कट कर सकते हैं। थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन कम नहीं होना चाहिए। साइज़ है वो थोड़ा आप बढ़ा सकते हैं, थोड़ी सी हैवी करनी है, चौड़ाई ज़्यादा रखनी है तो आप बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह की हमने जो है पट्टी कट कर लेनी है। तो मैं ऐसी दो पट्टियाँ इस कलर में यूज़ कट करूँगी। दो दो पट्टियाँ मैं कलर में यूज़ कर रही हूँ, ऐसे ही कट कर लूँगी। देखिए, एक पट्टी ये हो गई, हम एक और पट्टी इसमें से कट कर लेंगे। देखिए, दोनों की मैंने पट्टियाँ कट कर ली हैं। तो आपको जितनी लंबी माला बनानी है आप उतनी पट्टी आप कट कर लीजिए, आप कट करते जाइए और यूज़ करते जाइए, ठीक है। तो देखिए अब क्या करना है। तो मैंने यहाँ पर ले लिया सुई धागा, मैंने इसमें पहले से ही लगाया हुआ है। थोड़ी ख़राब है तो आपको मेरी आवाज़ थोड़ी सी अलग लग रही होगी, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है इसलिए जल्दी जल्दी वीडियो भी नहीं बना पा रही हूँ। तो देखिए, इस तरह से आपको पट्टी लेनी है और यहाँ पर सुई इस तरह से निकालना है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर छोटे छोटे बीच में, बिल्कुल सेंटर में आपको ये सुई के छोटे छोटे टाँके ऐसे निकालने हैं, ठीक है, इस तरह से। तो मैं यहाँ पर इस तरह से टाँके निकाल लूँगी। इस तरह से आपको टाँके निकाल देने हैं, इस तरह से ना। अब आप इसको खींच देंगे, खींचने के बाद इसको थोड़ा सा ऐसे घुमाते जाना है, इस तरह से घुमा देना है और फिर से आपको टाँके भरते जाना है। तो देखिए, मैंने तीनों माला जो कलर थे वो इस तरह से लगाए हैं। रेड लगाए, ग्रीन, फिर उसके बाद येलो, फिर ग्रीन, फिर रेड, फिर ग्रीन, उसके बाद येलो, फिर ग्रीन। इस तरीके से आप पूरी माला तैयार कर सकते हैं। सिर्फ आधा, जो तीनों कपड़े हैं वो आधा आधा मीटर हैं, हाफ हाफ मीटर, उसमें ही आप काफ़ी बड़ी माला बना सकते हैं। तो आई होप आपको ये आइडिया मेरा पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अगर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें। बहुत लंबा मैंने वीडियो नहीं बनाया है, छोटा सा वीडियो बनाया है। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सब स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और मेरे चैनल पर बने रहिए। बाय बाय।